नमस्कार मित्रों, ताजा ने चिंताजनक समाचार, कोरोना फरी मारियो उथलो। गुजरात में नवा वेरियंट नी थई एंट्री, सीएम भूपेन्द्र पटेल ने कैबिनेट बैठक, गुजरात सरकार नी मोटी जाहेरात, पीएम मोदी नू अपमान जेवा समाचार जाणता पहला, तमे जो चैनल में नवा हो तो खास मित्रों अपनी चैनल ने फटाफट सब्सक्राइब कर लेजो, कारण के रोजना ताजा ने उपयोगी समाचार आखो दिवस ना समयसर अमे तमने पहोंचाड़ता रहीशुं। वीडियो गमे तो लाइक कर देजो अने वधु ने वधु आपना मित्रों ने मोकली आपजो। पीएम मोदी नू कर्यु अपमान, टीएमसी ना नेता ने पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजादे पीएम मोदी ना कपड़ा पर ट्वीट कर्या बाद विवाद छेड़ायो छे। बीजेपी नेताए आजाद ना ट्वीट ने अपमानजनक गणाव्यो छे। जणावी दईए के आजादे पीएम ना श्रीलंग मुलाकात नी तस्वीर साथे एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट नो स्क्रीनशॉट मूक्यो हतो, जेमां बतावायुं हतुं के पीएम नो पोशाक महिलाओनो छे, साथे कैप्शन मां लख्युं हतुं न तो ते पुरुष छे न तो ते नारी, मात्र जे फेशन ना पुंजारी। गुजरात माटे फरी चिंताजनक समाचार, चीन में तबाही मचावना ओमिक्रोन सब वेरियंट BF7 ना 3 केस गुजरात में अमदावाद अने वडोदरा में नोंधाई चुक्या छे, जेने लईने हाल तंत्र एलर्ट पर छे। गुजरात में कोरोना केस फरीथी उथलो न मारे ते माटे सरकार सतर्कताथी काम करी रही छे। ते वच्चे फरी एक चिंताजनक समाचार आवी रह्या छे, ऑस्ट्रेलियाथी राजकोट आवेली युवतीनो कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आव्यो छे, जेने लईने राजकोट तंत्र दोड़तुं थयुं छे। सीएम भूपेन्द्र पटेल अने कैबिनेट बैठक, मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की अध्यक्षता में आज गुजरात सरकार की कैबिनेट बैठक योजाशे, जेमा आगामी 100 दिवस की एजेंडा पर अने विश्व में वधी रहेला कोरोना केस ने लईने गुजरात की तैयारी पर चर्चा थई शके छे। आ बैठक में गुजरात सरकार अनेक मोटा निर्णय लई शके छे। मंत्रीओ आज विगतवार समीक्षा की विगतों रजू करशे। सीएम पटेल आज स्वागत कार्यक्रम पण योजशे, जेमा नागरिकों की रजूआत पण सांभळशे। હવે ચીનથી ડાયરેક્ટ ગુજરાતમાં કોરોનાની એન્ટ્રી, અમદાવાદના ગોતામાં 57 વર્ષીય પુરુષનો રિપોર્ટ ઓમિક્રોન પોઝિટિવ આવ્યો છે, તેથી ચીનથી પરત ફરેલા ભાવનગરના એક વેપારીનો રેપિડ ટેસ્ટ કોરોના પોઝિટિવ આવતા આરોગ્ય વિભાગ દોડતું થયું છે। યુવાને ક્વોરન્ટાઇન કરી RT-PCR રિપોર્ટ અને જીનોમ સિક્વન્સના સેમ્પલ મોકલવાયા છે। યુવાનના સંપર્કમાં આવેલા લોકોની ઓળખ કરી તપાસ હાથ ધરાય છે। મહાનગરપાલિકાના કમિશનરે કહ્યું છે કે જરૂરી તમામ પગલાં લેવાઈ રહ્યા છે। કોરોનાને લઈને ગુજરાત સરકારની મોટી જાહેરાત, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની અધ્યક્ષતામાં ગુજરાતની કેબિનેટ બેઠક પૂર્ણ થઈ છે। આ બેઠકમાં સીએમ પટેલે કોવિડ ગાઈડલાઈનની તલકતી તમામ બાબતો પર ધ્યાન દોરવાની સૂચના આપી છે। હવે એરપોર્ટ પર વિદેશી પ્રવાસીઓની ટેસ્ટિંગ ફરી શરૂ થશે। હાલમાં હોસ્પિટલમાં દવા અને બેડ સહિત જરૂરી સ્ટોક રાખવાની સૂચના પણ અપાઈ છે। કોરોનાની પરિસ્થિતિને જોતા ગુજરાત સરકાર આજે સૌથી મોટું એલાન પણ કરી શકે છે।